फायदा क्या होगा? अभी कोई किसी के सड़क पे अवैध निर्माण कर ले, सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है? क्योंकि वो पता कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत होगा तो बुलडोजर चल जाएगा, बहुत हुआ तो सजा उजा नहीं होगी। आदमी किसी को किडनैप करने में डरता क्यों नहीं है? क्योंकि पता है कि कोई बात नहीं, बहुत होगा 40-30-40 साल मुकदमा चलेगा। कुछ छीनने में कोई नहीं डरता, क्यों? 30-40 साल मुकदमा चलेगा। तो चाहे चेन स्नेचिंग हो, चाहे जितने भी अपराध होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि भारत में दंड जल्दी नहीं मिलता। और दंड व्यवस्था कैसी है इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। बोला ना किसी ने? वो जेल में है या विधानसभा में है? होना कहां चाहिए था? यानी कानून घटिया है, यानी कानून घटिया है। अगर ये कानून अच्छे रहे होते तो अंग्रेजों को सजा होनी चाहिए, किसी को नहीं हुई। इसका मतलब कानून में बदलाव आवश्यक है। वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस दिशा में गंभीरता के साथ सोचा है, केसेस की टाइमलाइन फिक्स करने की कोशिश किया है, वन नेशन वन पिनल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नया कानून आया आतंकवाद को उसी में डाल दिया है, नए कानून में अलगाववाद को भी उसी में डाल दिया है, माओवाद नक्सलवाद को भी इसको इंक्लूड कर दिया है। जो चीजें आगे रह गई आने वाले टाइम में, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम इस पर भी सोचा जाएगा, गंभीरता के साथ काम होगा। अब आता हूं जो मुख्य विषय था हमारा, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसपे हमें आपसे चर्चा करनी थी। किसी के 4 बेटे हैं और चारों बेटों के लिए अलग अलग घर में नियम बना दिया जाए, चारों बेटों में एकता रहेगी क्या? जोर से बोलिए जरा। 4 बहुएं हैं, सब चारों बहुओं के लिए अलग अलग नियम हो, एकता रहेगी क्या? 4 बेटियां चारों के लिए अलग अलग नियम, एकता रहेगी क्या? नहीं। वैसे ही एक ही देश में 4-5 अलग अलग कम्युनिटीज के लिए 4-5 अलग अलग कानून चलेगा तो संविधान का जो लक्ष्य है ना, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्राणियों में सद्भावना हो, जो राम राज्य की संकल्पना है, वो साकार नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि देश में वन नेशन वन सिविल कोड लागू किया जाए। और ये संविधान कहता है, हम लोग एक्चुअली आर्टिकल 44 पे बहुत चर्चा करते हैं, एक बार आप लोग आर्टिकल 13 को पढ़ना। 13 ये कहता है, आज यानी 26 जनवरी 1950, अब आज जब देश स्वतंत्र हो गया है तो आज की डेट से भारत की सभी कुरीतियों को, महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले कानूनों को, ये जितने भी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। उसके लिए कानून भी नहीं बनाना था, उसके लिए 1951-52 में पार्लियामेंट में एक सिंपल एक पन्ने का रेजोल्यूशन लाना था कि हम आज आर्टिकल 13 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जितनी भी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं, इनको खत्म कर रहे हैं। कई कुरीतियां, कई कुप्रथाएं भारत से शुरू हुई, लेकिन समय के अनुसार उनके लिए कानून बना। छुआछूत एक कुरीति आई, कानून बन गया। सती प्रथा एक मजबूरी में कुरीति आई थी, वो कोई शौक बस नहीं आई थी, मजबूरी में आई थी, कानून बना। लेकिन जो विदेशी कुरीतियां भारत में आई, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, उनके खिलाफ कानून बनाने पे कभी गंभीर चर्चा ही नहीं हुई। इसलिए ध्यान से आप अगर आप देखेंगे, जिन कुरीतियों की शुरुआत भारत में हुई उन पे कानून बना, लेकिन जो विदेश से आयात की गई थी उनके खिलाफ कानून नहीं बना। हलाला पे कानून नहीं बना, मुताह पे कानून नहीं बना, मिसयार पे कानून नहीं बना, तहरुस पे कानून नहीं बना, तलाके हसन पे कानून नहीं बना, तलाके एहसन पे कानून नहीं बना, तलाके बाइन पे कानून नहीं बना, तलाके किनाया पे कानून नहीं बना। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां, जबकि तरीका यह था कि 1950 में सीधे सीधे पार्लियामेंट के पहले सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करना था कि देखो भैया, ये कुरीतियां हैं जो बाहर से आई हैं, हमारी कुरीतियां नहीं है, या मुगल कालीन कुरीतियां हैं या ब्रिटिश कालीन कुरीतियां, इन कुरीतियों को आज हम खत्म करते हैं। आर्टिकल 13 स्पेशली कहता है, डायरेक्शन देता है। और इसके बारे में प्रोपोगंडा शुरू हो गया,
संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 13 में कहा सारी कुरीति खत्म करो, आर्टिकल 44 में कहा सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, लेकिन ना आर्टिकल 13 पे चर्चा हुई ना आर्टिकल 44 पे चर्चा हुई। लड़के और लड़की की शादी की उम्र, देश की सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र अगर एक समान हो जाए, कोई आसमान टूट पड़ेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो या पारसी की बेटी हो या ईसाई की बेटी हो, शादी की मिनिमम एज करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? एक समान करने में कोई नहीं आएगी। मैंने 2017 में भाई साहब इस पे पीएल फाइल किया, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करने पे। जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो देखा 125 देश में बराबर है, 125 देशों में बराबर है, और WHO कह रहा है बराबर करो, UN की रिकमेंडेशन है बराबर करो, भारत के कई बड़े फिजिशियन सर्जन ने रिकमेंड किया बराबर करो, सभी लड़कियों की शादी की उम्र बराबर करो, लेकिन अंग्रेजों के एक 1937 का कानून है उसको शरीयत एक्ट कहते हैं, उसके कारण शादी की हमारी जो मुस्लिम बेटियों की मिनिमम एज 9 साल ही चल रही थी, सबकी 18 हो गई स्वतंत्रता के बाद, सबकी 18, लेकिन मुस्लिम बेटियों की 9 साल। मैंने पीआईएल फाइल किया, जज साहब भी चौंक गए, बोले 9 साल चल रहा है क्या? हमने कहा देखो साहब कानून है ये दिख रहा है, सरकार को नोटिस जारी हुआ, सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी, उसके बाद पार्लियामेंट में बिल आया, लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से जो होना था वही हुआ, राज्यसभा में थम गया, अभी तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही ये होगा, 24 में हो जाए या 25 में हो जाए, लेकिन शादी की उम्र तो बराबर ही होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी लाइफ में, हमारे आपकी लाइफ में एक बार आता है, और वो तब आता है जब शादी विवाह की बातचीत होती है। जब शादी विवाह की बातचीत होती है तो दोनों पक्ष क्या बात करते हैं, भाई लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की है, पहली चर्चा यही होती है, और उसके बाद अगर आपकी शादी सफल हो गई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी लाइफ से गायब हो गया, लेकिन अगर शादी सफल नहीं हुई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कंटिन्यू रहेगा, वो कानून आपके जीवन में बना रहेगा। शादी सफल हो गई, लड़की लड़की शादी की उम्र बराबर हो गई, बल ठीक है शादी हो गई, बढ़िया अपने अपने घर में रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर शादी सफल नहीं हो रही है तो अगला बात आता है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स क्या होगा। आप दुर्भाग्य देखिए कि भारत में सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स डिफाइन है, किन किन कंडीशन पे डिवोर्स होगा बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कानून में, कैसे डिवोर्स होगा ये भी लिखा हुआ है, फैमिली कोर्ट के जरिए डिवोर्स होगा ये भी लिखा हुआ है, आपको एप्लीकेशन देना है वहां जाना है तब डिवोर्स होगा, लेकिन एक अंग्रेजी कानून के कारण 1937 के आज भी अरब की कई कुरीतियां भारत में चल रही है। मैं आपको पढ़े लिखे लोगों का एग्जाम्पल देता हूं, नाम है बेनजीर हिना, रिपब्लिक टीवी में वो पत्रकार है, पति दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट, एक चिट्ठी भेजी अप्रैल में, मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं, दूसरी चिट्ठी भेजी मई में, मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं, और जून में तो चिट्ठी भी नहीं, 30 रुपए जो रजिस्टर पोस्ट वाला भी बचाया, ईमेल कर दिया मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं। बेनजीर गई कोर्ट काजी के पास, बोले जी 3 बार, 2 बार चिट्ठी आई, 1 बार ईमेल आई, क्या करें, बोले हो गया तुम्हारा तलाके हसन हो गया, मेरे पास भाग के आई, मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कर्नाटक में कलबुर्गी, नाम है डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, सास गायनोलॉजिस्ट, ससुर भी फिजिशियन, कलबुर्गी में हॉस्पिटल, पति कहता है सौहर जा मैं तुम्हें आजाद करता हूं, 1 महीने बाद कहता है जा मैं तुम्हें आजाद करता हूं, 3रे महीने कहता है जा मैं तुम्हें आजाद करता हूं, काजी के पास जाती है, कहता हां तुम आजाद हो गई जाओ। ये भारत में हो रहा है, जहां द्रौपदी के थोड़े से अपमान पे महाभारत हो गया, माता सीता का अपमान करने के बाद पूरी लंका जल गई, उस भारत में आज भी कहा जा रहा है कि नहीं आजाद हो गई।
अच्छा बेनजीर का तो आज अलग ही केस, जो नोएडा में रहती है, 8 महीने का बच्चा अली, 15,000 रुपए पेटीएम किया, बोला तुम्हारा 3 महीने का खर्चा, और 2,000 पेटीएम किया, बोले बच्चे का दूध का खर्चा, 17,000 रुपए में तलाके हसन। फिर मैंने सईदा अमरीन का केस भी किया सुप्रीम कोर्ट में, एक लड़की आई बॉम्बे से, पिताजी आटा चक्की पे काम करते हैं, आप सोच सकते हैं आटा चक्की पे काम करने वाले की कितनी तनख्वाह होगी, जिससे शादी हुआ था उसको कोई और पसंद आ गया, बोले जाओ तलाके हसन, 3 बार चिट्ठी लिख दिया, तलाके हसन तलाके हसन तलाके हसन, हो गया तलाके हसन। एक और केस आया मेरे पास पुणे से, तलाके किनाया, तो ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया, 4 आदमी चल रहे, और ये जो चारों चल रहे हैं ये भारत के हैं या विदेश के, जरा जोर से बोलिए,